ja seg söggja við kleystuðu og tað hevur byrjað at skipta á riðhesta. Um tíðum er tað verið mikið um at tala um <laughs> at fáa fram eina løysingu. <laughs> um einan tíð er tað verið mikið um at tala um at fáa fram eina løysingu. Tað er einan tíð, at tað er verið mikið um at tala um at fáa fram eina løysingu. इस तरह से आपकी एक फिल्म थिएटर में आती है और दूसरी फिल्म का अनाउंसमेंट हो जाता है तो क्या आप भी ऐसा मानती या हम ऐसा माने कि आपके जितने भी कंटेप्रेरी एक्टर हैं आप उन सब को एक दिन खा जाने वाली है वो, वो, ऐसा कोई इरादा नहीं है और ऐसा कोई थॉट भी नहीं है मैं बस सिर नीचे रख के खुद का काम करने की कोशिश कर रही हूँ और जब आप कहीं भी उलझ जाती हैं तो उस उलझन से बाहर कैसे निकलती है किसकी राय मैं सोचती हूँ कि इस सिचुएशन में अरुण क्या करता और मैं वो कर ली <laughs> क्या बात रो, रो। है रो। we have seen spy thrillers you know in the past as well and junglee pictures has been known for it if we talk about Ali abad's razi what is that special about ulaj you know and we saw the trailer it's you know it's a lot of secrets a lot of details which has gone into it so if you have to talk about your role and about ulaj what is that special about it

एंड या आई थिंक वो एक चीज़ मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग थी और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था जब मैं स्क्रिप्ट uh, पढ़ रही थी जो मैंने एक्सपेक्ट किया था जैसे कि आप सब लोग शायद एक्सपेक्ट करते हो एक स्पाई थ्रिलर से वो सारी चीज़ें ये फिल्म उन सारी चीज़ों से कई ज़्यादा है आई थिंक इट्स अ कमिंग अवेज आई थिंक इट्स इमोशनल आई थिंक इट्स थ्रिलिंग एंड एंटरटेनिंग ऑफकोर्स बट I think it's also about a woman's journey in a man's world. It's about... Uh, and it's, it's really not just about my character. I think each character has such a specific arc. Um, seven, uh, Roshan's character, Sebin. Um, his baggage, Gulshan's character. I think everything is so well-rounded. And I like what the film is saying and how it's saying it. So, yeah. Is there more to it? What can you tell us? आई थिंक लाइक यू कुड टेल फ्राम सिंग द ट्रेलर इज वेल द इज मोर देन वॉट मीक्स दी आई इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस फिल्म आई थिंक ओलाज इज डेफिटली वैन आई हर्ड दिस स्क्रिप्ट डेफिनेटली वॉज नोर आई एक्सपेक्टेड एट ऑल एंड आई थिंक जब आप सब सेकेंड ऑगस्ट को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में जाके हमारी प्यारी सी फिल्म को देखेंगे आप सबको भी लगेगा कि अरे ये तो जो हमने सोचा था वो बिल्कुल नहीं है And um, hopefully you all will be very thrilled and entertained and excited by what we've worked so hard to make. I can't wait for it. 2nd of August is the date. I remember a couple of days ago we interviewed and you told me that it's not just a professional relationship with your director, that is Sudhanshu. He's also contributed to a little bit more in your life. So would you like to tell our friends, they're all friends here, uh, what has that equation been between the two of you? यू नो आई थिंक नॉट जस्ट सुधांशु बट एवरी वन आंगली मैं मैं आई थिंक उलझ से पहले पाँच छः फिल्में कर चुकी हूँ बट जिस तरह की इन्वॉलमेंट रही है उलझ में जिस तरह से हर मोड पर आई एम सॉरी यू कीप आस्किंग इन इंग्लिश एंड आई कीप आंसरिंग इन हिंदी बट बेसिकली है आपके लिए हिंदी बेहतर है आपके लिए <laughs> तो हम हिंदी में ही वार्तालाप करेंगे ओके okay, ग्रेट नहीं हर मोड पर इनफैक्ट um, सुधांशु और जंगली की पूरी टीम मुझे इनकेज बढ़ावा देती रहती थी कि प्लीज़ आपके ओपिनियंस क्या है yeah. आपको क्या लगता है इन्वॉल्व yeah. रहिए इस हद तक कि मुझे शायद लगता है कि उन्होंने मुझे बिगाड़ दिया काफ़ी स्पॉयल कर लिया है क्योंकि अभी मैं मेरे आवाज़ को शायद ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ <laughs> पूरे टीम को अमृता यहाँ बैठी है हमारी प्रोड्यूसर बहुत तंग किया है मैंने सबको बट um, बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब आपको ऐसे लगता है कि आप ऐसी टीम में शामिल हो जो कि हर इंसान की आवाज़ को सुनना चाहता है बढ़ावा देता है and i think the credit for that goes completely to of course the captain of our ship but also everyone at junglee for i think empowering all of us so much and as a woman that felt great to be so heard creatively um, yeah and be a part of everything i think it's a it's a wonderful thing thank you for sharing that so, in fact it's very interesting that shokan maybe shock word aata hai. तो आई वुड लाइक यू टू यू नो जस्ट एलेबरेट अ लिटिल मोर कि इसमें शॉक वैल्यू क्या है सो द सो देर आर टू डिफरेंट सॉन्ग वन इज शॉकन विच इज़ वेरी पॉप इट्स अ डांस सॉन्ग यू कैन लिसन टू इट इन द क्लब यू कैन लिसन टू इट एज अ जेनजी एज अ मिलेनियल और यू नो बट मुझे लगता है कि गाने कुछ ऐसे होते हैं जो हम से ज़्यादा भी जी जाते हैं हमारे जाने के बाद भी लोग उन गानों को सुनते हैं सो so, थोड़ा गलत एक ऐसा गाना है जो उसी गाने का एक ऐसा इंटरप्रिटेशन है दैट यू कैन लिसन टू नॉट इन अ क्लब नॉट इन योर काज बट वैन यू आर अलोन वैन एक्चुअली लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर योर सेल्फ एंड दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी स्पेशल हाउ एक गाना किस तरह से दो रूप ले लेता है इट्स लाइक अ डबल रोल दो इतने अलग गाने बट एट द सेम टाइम दोनों का हार्ट इज सेम एंड वी हैव द हार्ट सिटिंग थैंक यू Thank you, Chaitanya, sir, for that lovely question. We're going to move on to our next because we are a little short on time. Hello. Our next question, please. हेलो जुविन सर माई क्वेश्चन इज़ फॉर यू आई एम श्रुतिसना फ्रॉम बॉलीवुड क्रॉनिकल एंड माय क्वेश्चन इज़ लाइक कि उलझ एक स्पाई मूवी है और इसमें एंड माय क्वेश्चन इज़ फॉर शाश्वत आल्सो लाइक उलज एक स्पाई मूवी है एंड इसमें मूवी और सॉन्ग्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहे ऑडियंस से कनेक्टेड रहे इसके लिए आप लोगों को क्या कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ा और क्या कुछ आप लोगों ने प्रिप्रेशन किया सो so, मैं ये कहना चाहूँगा एक सिंगर को बहुत बाद में बुलाया जाता है गाना गाने के लिए लेकिन उस गाने को में, में, जब तक मैं उस पर रिएक्ट करता हूँ तब तक उस गाने का जो आत्मा है और जो उसकी पूरी रूह है वो ऑलरेडी सेट कर दी होती है सो आई वुड रिक्वेस्ट शाश्वत टू आंसर दिस वॉट ऑल वेंट बिहाइंड द एल्बम ऑफ सो इसके दो जवाब हैं पहला जवाब तो गाने के से रिलेटेड है दूसरा जवाब जो है वो फ़िल्म के ओवरऑल म्यूज़िक से रिलेटेड है गाने से रिलेटेड तो ये है कि ये गाना जो है जब हम बना रहे थे तो जितना ये गाना बना नहीं था उतना ये गाना जब ये गा रहे थे तब बन रहा था रात को जब मैं जैसे मैंने आपको बताया मैंने कल एक पोस्ट भी की थी उसमें लिखा था कि हमने उलझ के म्यूज़िक की जर्नी इनके स्टूडियो में शुरू की थी वियरली हमने इनको फ़ोन किया और ये हम इनके घर गए एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम वी स्टार्टेड वर्किंग हमने साथ में कुछ किया और भाई आए और हमने ये वाला गाना बनाया और हमने कंसेप्चुलाइज़ किया कि हाउ डज़ इट फिट इन द वर्ल्ड ऑफ उलझ बट दूसरी बात यह है कि जहाँ तक रही एल्बम की बात तो एल्बम के लिए द क्रेडिट नॉट आई आई कान बी दी ओनली पर्सन टू टेक द क्रेडिट ऑन कि अच्छा मैंने ऐसा सोचा फिर मैंने ऐसे किया एक एक बहुत ही इंट्रिकेट बुनाई होती है जो बहुत सारे लोग ताना बाना मिलकर के बुनते हैं जिसमें अमृता मैम इज़ अ पार्ट ऑफ इट जिसमें सुधांशु भाई इज़ अ ह्यूज एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट जिसमें रोहन भैया इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इट ही हैज़ वेरी क्लोजली कोलाबरेटेड विद अस रोहन uh, जी जो सोनी के हेड हैं तो उन्होंने बहुत और मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने जब हमारे साथ काम किया तो इन्होंने हमारे साथ काम किया इन्होंने छोटी छोटी चीज़ों में बोला कि ऐसे कर सकते हैं एंड इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल जर्नी तो आप देखेंगे फिल्म तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कभी भी नहीं लगता कि ये गाना है या ऐसा कभी भी नहीं लगता कि ये कुछ एक इट डजन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम द फिल्म इट इज़ अ पार्ट ऑफ द नेरेटिव ऑफ वॉट ही रोट ऑफ वॉट अमृता मैम वॉन्टेड ऑन स्क्रीन एंड वॉट जानवी वॉज एन एक्टिंग एंड सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपोजर आई थिंक एंड माई लास्ट क्वेश्चन इज फॉर जान्हवी जान्हवी शौकन का तो हम सब ने रिएक्शन देख लिया मीडिया से लेकर के आप लोगों का लेकिन शीखू का क्या रिएक्शन था

Well, thank you so much. I think everyone has had a great reaction to this track. I'm going to move on to the next question. Hello. Hello, hello. Last question, unfortunately. Uh, my question is for Roshan. Here, here. I'm so sorry, I haven't uh, spotted you yet. Roshan here. Yeah. Oh, okay. Hi. 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 Uh, Roshan, we've seen your work. You, uh, you are a versatile actor. Uh, here also, I think, if I'm not wrong, this is your fourth project in Hindi. Oh. It is. And uh, here also, you have maintained this stand that you are doing different kind of work. So, what was so special about this movie that you? Uh, chose to do it. It's actually easy ma'am when I'm uh, primarily doing my work in Malayalam. I know that unless it's an unmissable opportunity, I have no reason to leave Malayalam and come here and do a film. So for me, the combination of story, character and the people who are involved in it has to be so exciting that I feel. So it actually makes your uh, decision making a lot easier.

And uh, I'm so sorry, I know we're running late on time. I just want to take the liberty to take a few more moments and just say, usually, when we do these, uh, today is more about uh, you guys, about Shashwath, about Jubin, Rohan, so your entire team at uh, uh, Sony, and everyone else who's brought the music alive. And usually, when we do promotional activities for a film, for us who are part of the team, everything that happens on stage, everything that's said on stage is repeated. We already know the stories. This is, I think, probably one of the few times when I have. Everything that happened here has happened to me for the first time. I hadn't heard any of the other songs. Yeah, same, yeah. same Same for us. And I am so overwhelmed. And I have to take this opportunity to say that I've constantly been in touch with the team at Junglee after the shoot, as the film was evolving. And there was a very marked difference in the energy level of everyone who spoke to me after you did your work on the film, sir.